Guys, how are you? Good morning. Once again, I am Dr. Harman Singh Yadav in front of all of you. And today we have to proceed with the next topic of the biomolecule, that is the preparation of glucose. Before preparation of glucose, we have to study about oligosaccharide and polysaccharide. In previous class, we have seen about the monosaccharides. Okay. Now let's see about oligosaccharide. Oligosaccharide के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि oligosaccharide में जो है 1 से लेकर 10 कार्बन हो सकते हैं. ओके, मतलब कार्बन के जो नंबर्स हैं, इट मे बी फ्रॉम 1 to 10. 1 वाले को तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि 1 वाला तो हो गया मोनोसेक्राइड. फ्रॉम 2 to 10 बोल सकते हैं उसको, ठीक है. एंड पॉलीसेक्राइड का मतलब नाम से समझ में आ रहा है. इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर दैट पॉलीसेक्राइड आर नथिंग बट ऑल द नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर्स. नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर जैसे स्टार्च हो गया. स्टार्च किस में प्रेजेंट रहता है? प्लांट्स के अंदर. दूसरा एग्जांपल हो गया एनिमल, सॉरी ग्लाइकोजन, जो कि एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है. इट इज सफिशियंट. ओके, और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं. क्लोरोफिल है, मेलानिन है, एंड मच मोर थिंग. नाउ अभी उतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है उसको. अभी हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज. क्या देखेंगे हम लोग? प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज. ओके, एंड इन दिस हमारे सिलेबस में 2 प्रिपरेशन मेथड दिया हुआ है. हाउ मच? 2 प्रिपरेशन मेथड दिया हुआ है. फर्स्ट वन है फ्रॉम सुक्रोज और सेकंड है फ्रॉम स्टार्च. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सुक्रोज के बारे में पढ़ेंगे. सुक्रोज, देखिए सुक्रोज के आगे क्या लिखा हुआ है? केन शुगर लिखा हुआ है. लिखा हुआ है केन शुगर. इसका मतलब क्या है? यानी कि गन्ने का जो रस होता है, दैट इज़ जो शुगर होता है, हम उसको सुक्रोज कहते हैं. ठीक है, अब इसका एक रिएक्शन दिया हुआ है. देखिए ज़रा, रिएक्शन एक बहुत ईजी है. फॉर्मूला क्या है सुक्रोज का? फॉर्मूला है C12H22O11. अगर हम लोगों ने इसको वाटर में डिजोल्व किया, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? 2 चीज़ें मिल रहा है. देखिए, 1 इज़ अ ग्लूकोज एंड अनदर 1 इज़ अ फ्रुक्टोज. इसका क्या मतलब हुआ? इसी 2 बातें सामने आ रही हैं. पहली बात कि हम लोग सुक्रोज से हम लोग ग्लूकोज बना सकते हैं, और दूसरी बात कि ये जो है डाइसैकेराइड का एग्जांपल है. आई होप सो समझ में आ गया होगा. ये एग्जांपल तो आप लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ा होगा. C12H22O11. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ स्टार्च. ओके गाइज, नाउ लिसन. नेक्स्ट वन इज फ्रॉम स्टार्च. स्टार्च का फॉर्मूला देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर. स्टार्च का फॉर्मूला है C6H10O5N. व्हाट इज दिस? C6H10O5. N टाइम्स मतलब बहुत नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है. ये नंबर ऑफ टाइम रिपीट होने के कारण इसको स्टार्च कहते हैं. और जैसे ही हम लोगों ने वाटर में डिसॉल्व किया, मगर कंडीशन क्या दिया हुआ है? कंडीशन जरा देखिए. कंडीशन है 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ज़रूरत है, और 393 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए उसको. ठीक है, जब इतना टेम्परेचर आप लोग प्रोवाइड करेंगे, तब जो है वो नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स प्रोवाइड करेगा. यस, आपको समझ में आ गया? कितना टेम्परेचर देना है? 393 केल्विन. 2 to 3 एटीएम प्रेशर प्रोवाइड करना है अपने को, और अपने को क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज यूनिट मिल जाएगा. आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको. यस, अब जो है हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. क्या पढ़ना है हमको? स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. अभी जो हमारा टॉपिक जो शुरू हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसमें हमको कन्फर्मेशन पूछा जाता है. कन्फर्मेशन कैसा होगा? देखिए ज़रा, आपको समझ में आ जाएगा. सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिए, ये जो है ये सिंपल सा एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताया हुआ है. देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, आपको फ़िलहाल तभी ऐसे याद कर लीजिए. क्या याद करना है? CHO यानी अल्डिहाइड, जो सबसे टॉप पर है. देखिए टॉप पर है. सबसे नीचे में क्या है? CH2OH है, और बीच में क्या है? CHOH. हाउ मच? 4 टाइम्स. देखिए, देखा आप लोग को? CHO जो है ये फंक्शनल ग्रुप हो गया अल्डिहाइड का, CH2OH हो गया, और ये हो गया CHOH. तो टोटल कितने बार OH आ गया? 5 टाइम्स OH आ गया है. इसका ये मतलब हुआ कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डोजेस है. व्हाट आई एम सेइंग? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डोजेस. पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 OH आ गए. ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डोजेस क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्डिहाइड है. तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डोजेस, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट अल्डोहेक्सोस. क्या बोलते हैं उसको? अल्डोहेक्सोस. ये अल्डिहाइड है. और हेक्सोस क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन है? टोटल 6 कार्बन है. गिनिए, 1, 2 और ये 4. कितने हो गए? 6 हो गए. यस, समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी गुड. अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट्स मॉलिकुलर फॉर्मूला वाज फाउंड टू बी C6H12O6। यस, इट्स मॉलिकुलर फॉर्मूला इज व्हाट, C6H12O6। अच्छा एक बात और बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, C6H12O6 लिखा हुआ है ना। अब इसी से एक फॉर्मूला डेवलप कीजिए, CnH2nON। समझ में आ गया होगा आपको, मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, CnH2nON। वेयर व्हाट इज n, n का मतलब क्या हुआ, n का मतलब हुआ नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने अल्केन का पढ़ा है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, यस गाइस, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। वैसे ही अल्डोहेक्सोज का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2nON। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अच्छा पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है इट्स मॉलिकुलर फॉर्मूला वाज फाउंड टू बी C6H12O6। सेकेंड में क्या लिखा, पॉइंट को देखना आपने को, ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI इट फॉर्म्स एन हेक्सेन सजेस्टिंग दैट ऑल द 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन द स्ट्रेट चेन। क्वेश्चन आता है कन्फर्मेशन में, हाउ कैन यू कन्फर्म दैट या हाउ कैन यू प्रूव दैट ग्लूकोज इज हैविंग 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन। ठीक है, तो उसका आंसर क्या लिखना है अपने को, इट्स वेरी इजी। यहाँ पे ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये स्ट्रक्चर रट लेना अपने को, CHO CHOH/4 CH2OH। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। हम लोग HI की प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो हमको हेक्सेन मिल जाएगा। ये याद कर लेना है, मैक्सिमम चीज़ें इस चैप्टर में हैं, आपको याद करना है मगर समझ के याद करना है। ठीक है, 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज है वो जब ब्रेकअप होगा HI के प्रेजेंस में तो 6 कार्बन वाला एन हेक्सेन बनाएगा। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, वो स्ट्रेट चेन में है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बनने से आपको सेंड करने में तकलीफ होता है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट अदर रिएक्शंस एंड अदर कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द ग्लूकोज। ओके, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।